शुद्ध राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज का शुक्रवार सियासत का सुपर शुक्रवार रहा। बिहार में पीएम मोदी ने ललकारा तो राहुल गांधी ने हुंकार भरी। आज हम सियासत के सुपर फ्राइडे में उन पांच खबरों की चर्चा करेंगे जो सुर्खियां बनी रही। नंबर एक, बिहार की लड़ाई, बीजेपी ने 370 की एंट्री क्यों कराई। नंबर दो, रैलीबाजी में मोदी राहुल की जमकर हुई बयानबाजी। नंबर तीन, बिहार की तरह एमपी में भी वोट दो, कोरोना का टीका लो की गूंज सुनाई दी। नंबर चार, क्या बिहार में बूथ पर वोटरों को याद आएगा पलायन का मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज बिहार की जनता को पलायन का दर्द याद दिलाया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। नंबर पांच, न्यूज 24 पर बीजेपी कांग्रेस के दो नेता एक्सक्लूसिव आमने सामने। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हम धारा 370 के लिए खून बहाने को तैयार हैं, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। जब तक 370 की वापसी नहीं होगी तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर का झंडा उठाऊंगी। ये देशद्रोही बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने। मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे।